ऐसे वृंदावन का तैयारी है पूरा तैयार है। अभी पांच सात मिनट की चल ठीक है, पांच सात मिनट में लगेगा ठीक है। बस ये वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। हाँ हरे कृष्णा। एक दिन मैया जसोदा कन्या को थपथप लगा करके सुला रही थी और भगवान राम की कथा सुना रही थी। अभी ध्यान देकर सुनिए, बच्चे सब नाचना हो गया। अभी मेरे तरफ में देखो, अभी मैया जसोदा कृष्ण को भगवान राम की कथा सुना रही है, अब थपथप लगा करके सुला रही थी। बोले लाला कन्या, दशरथ नामक एक राजा थे। कृष्ण बोले हूँ। अभी कृष्ण सो रहे हैं। बोले घर में सारे सुख थी, लेकिन एक चीज घर में कमी थी, घर में कोई संतान नहीं। कृष्ण बोले हूँ। बोले इसलिए से दशरथ महाराज ने वशिष्ठ द्वारा उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाए और यज्ञ से चरु निकला तो खीर निकला तो तीनों रानी को बांध करके खिला दिया। बोले हूँ। बोले उपयुक्त समय होने पर तीनों रानी ने गर्भ धारण की और भगवान स्वयं दो पहर में जो चतुर्व्यूह वासुदेव शंकरसन प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये चार रूप में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रूप में जन्म हुए। कृष्ण बोले हो। बोले जब ये बच्चे धीरे 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 बड़े हुए, पिताजी इनको गुरुकुल में भेजे। गुरुकुल में 64 दिन में प्रभु 64 विद्याओं को अध्ययन करते हुए घर में वापस आए। बोले हो। जब वापस आए एक दिन श्री विश्वामित्र जी आए, दशरथ महाराज से प्रार्थना किया। हे दशरथ महाराज, जब हम जंगल में यज्ञ करते हैं वहां पर राक्षस लोग हमें यज्ञ करने नहीं देते, बड़ा विपत्ति डालते हैं, अगर आप कृपा करके राम लक्ष्मण को अगर भेज देते तो ये दोनों उनको बात करके ये यज्ञों को रक्षा कर सकते थे। बोले हूँ। इतने में श्री दशरथ महाराज से राम लक्ष्मण को लेकर के भगवान राम विश्वामित्र जी गए। गए तो बीच में ये आ गई तारका, भगवान ने तारका को भी उन्होंने उद्धार की करके श्री विश्वामित्र जी के आश्रम पर पहुंचे और राम लक्ष्मण की सहायता से श्री विश्वामित्र जी यज्ञ को संपूर्ण किए। बोले बेटा राम, तुमने तो एक यज्ञ को तुमने संपन्न की है, लेकिन और एक यज्ञ ये मिथिलापुरी में भी एक यज्ञ हो रही है। उठा जाते हैं, मिथिलापुरी में भी एक यज्ञ हो रही है, ये यज्ञ को तुम ही पूरी करना पड़ेगा। बोले वो। इतने में राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी जब मिथिलापुरी में जा रहे थे, बीच में ये अहल्या गौतम के अभिशाप से ये पत्थर बन करके पड़ी हुई थी। भगवान राम भी चरण स्पर्श करा के अहल्या को भी उन्होंने उद्धार की। बोले वो। बोले जब श्री राम लक्ष्मण को लेकर के श्री विश्वामित्र जी जनकपुरी में पहुंचे, जनक महाराज पहले बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, वो भगवान को निराकार मानते थे। बोले इनकी रूप नहीं, गुण नहीं, लीला नहीं, वो तो निराकार निर्विशेष है। लेकिन जब उन्होंने प्रभु राम और लक्ष्मण को दिखे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले इन्हें बिलो कत अति हर सीता, केवल प्रभु का दर्शन करने से मात्र से ही अपनी आप ये ब्रह्म सूत्र खत्म हो गए और भगवान राम का प्रेम में एकदम डूब गए। फिर जनक महाराज जी ने देखा
कि जो राम है ये ब्रह्म नहीं, बल्कि ये कौन है, बल्कि ये परम ब्रह्म है, ये परम ब्रह्म है। लेकिन इसे जनक महाराज ने प्रतिज्ञा की थी, उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की थी, ये जो धनुष था, ये शंकर जी का सिंह धनुष था, इतना बड़ा ये धनुष था जिसको उठा करके 400 व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे, इतना बड़ा धनुष थी। लेकिन एक दिन मैया सीता जब छोटी बच्ची थी, गेंद खेल रही थी, अभी गेंद खेलते खेलते वो गेंद कैसे धनुष को नीचे फंस गया, फंस गया तो इतने में मैया सीता ने एक हाथ से उठा करके और उसको नीचे से गेंद को निकाल दी। इसको देख करके जनक महाराज समझ गए ये मेरी बेटी जानकी, ये कोई साधारण बेटी नहीं, ये जगता लगता है ये जगत अम्बा जगत जननी स्वयं लक्ष्मी है। नहीं तो एक हाथ से कैसे ये धनुष को उठा दी। अभी लक्ष्मी को साथ में किसकी शादी हो सकती है, नारायण की शादी हो सकती है। लेकिन जब उन्होंने प्रभु राम को दर्शन किए, दर्शन करते ही उनका जो ब्रह्म सुख अपने आप खत्म हो गया, वो समझ गई ये पर ब्रह्म है, ये स्वयं नारायण है, यही केवल ये धनुष को उठा सकते, ये धनुष को और कोई नहीं उठा सकते हैं। इसलिए वो चीज वो समझ गए, उन्होंने विश्वामित्र जी को अपना वाटिका में स्थान दी। विश्वामित्र जी उपयुक्त समय को देख करके राम लक्ष्मण को बोले, बोले बेटे जाओ वाटिका से पुष्प चयन करके लाओ, मैं ठाकुर जी की पूजा करना चाहता हूँ। जब राम लक्ष्मण वाटिका में प्रवेश की, प्रवेश मात्र से ही अपनी आप फूल खिल उठे और प्रभु हाथों में अपनी आप समर्पित हो रहे थे। प्रभु लक्ष्मण पीछे 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 चल रहे थे, लेकिन प्रभु कौन सा फूल को चयन कर रहे थे, बोले जो खिले हुए फूल थे, जो अखिले जो कलिया थी वो रोने लग गए। लक्ष्मण जी ने बोले भैया रो रहे क्यों, बोले रोएंगे नहीं कि आज हंसेंगे, अगर आज हम भी खिले हुए होते तो प्रभु राम आज हमें भी स्वीकार करते, लेकिन आज हम खिले हुए नहीं अधखिले हैं। लक्ष्मण बोले चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना, मैं तुमको प्रभु की सेवा में लगाऊंगा। इन्हें लक्ष्मण जी जो अधखिले कलिया थी लक्ष्मण उसको तोड़ना प्रारंभ किया। लक्ष्मण बोले प्रभु आज मेरे मन में इच्छा है आपको ये वाटिका में बैठा करके अपना हाथों से आपको मैं श्रृंगार करना चाहता हूँ। बोले कोई बात नहीं, अखिले कलियों को मैंने बड़े सुंदर गुच्छा बना करके प्रभु राम की चोटी को श्रृंगार कर गए। देखो टीकाकार क्या कहते हैं, कहते जो खिले हुए फूल कहाँ पर, बोले प्रभु का हाथों में। बोले अखिले कलिया कहाँ पर, बोले प्रभु की चोटी में। बोले ऐसे क्यों, यहाँ शिक्षा देते हैं भले ही हम अखिले कली क्यों नहीं हो, अखिले मतलब भले ही हमारे अंदर में कोई योग्यता नहीं है, कोई गुण नहीं है, कहते ये लक्ष्मण कौन है, बोले ये गुरु है। अगर कोई गुरु जी की सदगुरु की चरण में कोई चले जाए, इनकी शरण में कोई चले जाए, हम अयोग्य होने पर भी हमें वो क्या करेंगे, ठाकुर जी की सेवा करेंगे। लेकिन संपूर्ण योग्य है, लेकिन गुरु जी की शरण में नहीं गए तो योग्यता होने पर भी प्रभु की सेवा में नहीं लग सकते हैं। लेकिन लक्ष्मण कृपा करके उन्होंने प्रभु की सेवा में लगा दी। मैया सीता भी गौरी पूजा करने के लिए वो भी आई थी। जीवन में प्रभु पहली बार माता सीता को दर्शन की और सीता भी प्रभु जी को दर्शन की, दोनों दोनों को देख करके पहचान गए ये मेरी शक्ति है और ये मेरे प्रभु है, ये दोनों को दोनों देख करके पहचान गए। इतने में जब घर में वापस आए राम लक्ष्मण को कह रहे, बोले लक्ष्मण मेरा मन अभी तक किसी स्त्री को देख करके मन कभी चंचल नहीं हुआ, लेकिन पहला बार मैंने सीता को देख करके पता नहीं जैसे पानी में कोई कंकड़ फेंक दो ना, पानी में जैसे लहरी आ जाती है, पता नहीं आज मेरे मन में कोई खिलबिल मच रहा है, लगता है क्योंकि रघु कुल रीति सदा चली आए और प्राण जाए बर वचन ना जाए। हम कभी भी पराई स्त्रियों को कभी देखा भी नहीं, लेकिन सीता को देख कर भी जो भावना आई है लगता है ये तेरी भाभी बनने वाली है। जब वन वापस आए वहां पर जनक महाराज के दरबार लगा हुआ, बड़े बड़े राजा लोग वहां पर आए हुए और सबके सब कोशिश कर रहे थे
धनुष को उठाने के लिए, लेकिन कोई भी धनुष पर टस से नस भी नहीं कर पाया। लेकिन जनक महाराज जी को पता है केवल एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ जो ये धनुष को उठा सकता है। बोले कौन है? बोले ये राम है। तब गोस्वामी जी बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, बोले जो झंडा होता है और डंडे के ऊपर में ये झंडा होता है, कहती डंडा स्वरूप कौन है? बोले श्री लक्ष्मण है। बोले ये झंडा स्वरूप कौन है? बोले राम है। मतलब पहले ये डंडा उठेगा फिर झंडा उठेगा, पहले लक्ष्मण को उठा फिर श्री राम उठेंगे। इतने में जनक महाराज जी थोड़ी खड़े होकर के बोले, लगता है ये पृथ्वी ये वीर शून्य हो गया है। जिस धनुष को मेरी बेटी सीता एक हाथ से उठा लेती है और यहाँ पर इतने बड़े बड़े राजा बैठे हुए हैं, कोई ये टस से मस्तक भी नहीं कर पा रहे। इतना बोलते ही लक्ष्मण को इतना क्रोध आया। ये लक्ष्मण कौन है? ये शेष नाग है। ये शेष नाग श्री लक्ष्मण है। कहते एक मणिधर सर्प होता है, वो मणि में ही उसका प्राण होता है। अगर वो मणि को कोई छेड़ देना फिर वो सांप उसको नहीं छोड़ता है। यहाँ पर सर्प कौन? श्री अनंत देव लक्ष्मण। आप चुप बैठो, इतने बड़ी बात आपको पता नहीं यहाँ पर कौन बैठे हुए हैं? ये मेरे प्रभु स्वयं यहाँ बैठे हुए। हम तो बचपन में ऐसे कितने धनुष को हमने खेल खेल में इसको तोड़ डाले और ये सड़ा गला हुआ एक धनुष की बात करते हो? ये पृथ्वी को तो मैं एक कच्चा घड़ा का भांति चकना चूर कर सकता हूँ। इतने में श्री विश्वामित्र जी लक्ष्मण को, राम लक्ष्मण को बोले, बोले लक्ष्मण चुप कर बैठो, यहाँ पर गुरु जी बैठे हुए, पहले गुरु जी को तो आदेश लेने दो फिर तो देखना। इतने में समय देख करके श्री विश्वामित्र जी राम को आदेश देते, बोले बेटा जनक महाराज का हृदय में जो ताप जा उसको दूर करो। इतने में भगवान राम धीरे 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 आगे चल रहे हैं। माता जानक के सामने खड़ी हुई वरमाला लेकर के जब भगवान राम चल रहे थे, इतने में माता जानकी वो प्राण त्याग देने जा रही थी। बोले क्यों जा रही थी? बोले कारण है, वो सोच रही थी क्या रामचंद्र ये धनुष को उठा पाएंगे। बोले मन में शंका क्यों हो गई? बोले सबर, जब प्रभु राम फूल चयन करने गए थे वो सबर का समय था, मीठी मीठी हवा बह रही थी, लेकिन फूल स्वयं इनको हाथों में समर्पित तो हो रही थी। लेकिन उसी समय में भी राम का शरीर से पसीना बह रहे थे। इतने ठाकुर जी कोमल अंग है ठाकुर जी के, ये क्या उठा पाएंगे? इतने में भगवान राम सीता की भावना को देखते हुए उनमें जल्दी 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 गए और देखते देखते उन्होंने धनुष को पकड़े और उन्होंने उसको उठा लिए और उसमें जब प्रतर्पिता चढ़ाने के लिए गई, इतने में धनुष दो टुकड़े हो गए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतने में जब दो टुकड़े हो गए, इतने में जनक महाराज इतने प्रसन्न हो गए, बोले सुनैना जाओ जानकी को लेकर के आओ। इतने में जानकी माला लेकर के आ रही है और ला करके जब उन्हें प्रभु राम की गला में, बोले श्यामल राम चंद्र की जय। झांकी को खोल दो, झांकी को खोल दो। जब उन्होंने मैया सीता भी माला लेकर के धीरे 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 आगे बढ़ रही है, जब आगे बढ़ रही थी, अब मेरे तरफ में देखो, उधर मत देखो, उधर बाहर मत देखना, अब तो मेरे को देखना ही भूल गए। बोले श्री सियावर रामचंद्र की जय। बोले श्री पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोले श्री राम दरबार की जय। बोले श्री पवन सुत हनुमान की जय। सबसे बढ़िया चल रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राधे। श्री रघुवर गोमल कमल पटेल माला पहरा
जय माता।
लेकिन सीता कितने बड़ी है प्रभु राम के कंधे पर। फिर भगवान राम मुकुट पहनेंगे। जब मैया सीता माला लेकर के पहनाने जा रही थी लेकिन हाथ नहीं पहुंच रहा, इतने में सीता जी के साथ में जो सखियां थी वो साली लगती हैं राम के कान में धीरे धीरे बोले, बोले राम थोड़ी सी सर झुका दो ना। राम बोले मैं सर झुकाऊंगा, मेरे पिताजी का नाम दशरथ महाराज है, दस दिशाओं में जिनकी रथ चलती है,
रघु कुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाए। अभी तक मेरे पिताजी किसकी चरण में सर नहीं झुकाए, हम उनके बेटे हैं। अभी शादी भी नहीं हुई, बोले सर झुका दो। भैया हम तो सर झुकाने वाले नहीं, हम तो ऐसे खड़े रहे। अरे मैया सीता माला लग रही खड़ी। इतने में जो सीता की सखियां थी लक्ष्मण को कान से चुपकी से बोले, बोले देख लक्ष्मण अगर तू मेरा हमारे काम करो ना, तेरे काम हम भी कर देंगे। लक्ष्मण बोले क्या करोगे? बोले सीता जैसे सुंदरी उसकी एक छोटी बहन भी उर्मिला, वो भी कम सुंदरी नहीं है, उसको साथ में तेरे हम शादी करा देंगे अगर तू पहले हमारा काम कर लो। फिर लक्ष्मण बोले फिर तो करना पड़ेगा, जब शादी की बात आ गई फिर तो करना पड़ेगा। इतने में राम ने लक्ष्मण को बोले, बोले लक्ष्मण तू कुछ कर। बोले प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ, यद्यपि मैं पृथ्वी हूँ धरण धर्म, लेकिन ये पृथ्वी तो दो टुकड़े है ही नहीं, जो कि एक को ऊंचा और एक नीचा कर दो। अगर ऊंचा करूँ तो आप दोनों ही ऊंचा हो जाओगे, नीचा करूंगा तो आप दोनों ही नीचे हो जाओगे। प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ? बोले कुछ तो कर। इतने में प्रभु की भावना को समझते हुए लक्ष्मण जी प्रभु राम को प्रणाम की, प्रणाम करेंगे तो उसको उठाना पड़ेगा ना। फिर राम ने जब लक्ष्मण को उठाने लिए गए, इतने में इनका सर झुक गया। प्रभु राम ने सर झुक गया तो मैया सीता ने फिर माला लेकर के प्रभु राम सीता राम में उन्होंने डाल दी। रामचंद्र इतने सारे गोतालोक आकाश गए गए, सबके सब पुष्पों की बौछार करते श्रीयावर रामचंद्र की। अभी श्री जग महाराज ने अयोध्या में पहुंचा दिया श्री दशरथ महाराज के पास में। आप बरात लेकर के आओ। जब बरात लेकर के आए, जनक महाराज सोच रहे थे शायद दो ही भाई राम और लक्ष्मण, लेकिन जब बरात लाए ना देखा दो भाई नहीं, ये चार भाई है, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। बोले भैया हमारा पास में भी चार ही बेटियां हैं, सीता उर्मिला मांडवी और सुतकीर्ति, और ये भी चार भाई, जोड़ी तो बड़ी प्यारी है। इतने में श्री जनक महाराज ने श्री वशिष्ठ जी श्री दशरथ महाराज से प्रार्थना की, आपके चार ही बेटे और हमारा पास में चार ही बेटियां, अगर आपकी इच्छा हो तो हम चाहते हैं चार ही बेटियों को आपको दे दे। दशरथ महाराज ने देखा बेटे तो सबके सब शादी के लायक हो गए, अभी तक के लिए बहू ढूंढना ही पड़ेगा, और जनक महाराज इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी, फिर इतना बढ़िया परिवार कहाँ मिलेगा। बोले ठीक है शुभम शीघ्रम, शुभ कार्य को जल्द जल्द कर देनी चाहिए। फिर तो एक साथ में चार ही भाइयों को साथ में चार बेटियों की शादी हो गई, चारों की शादी हो गई। पहले ये नियम था शादी को बाद में झट नहीं मिलते थे, चार दिन बाद फिर मिलन होता था। चार दिन बाद में अभी सीता जी की जो सहेलियां थी ये चार ही बहुओं को एकदम दुल्हनी बढ़िया सुंदर सजा करके और घूंघट उतार करके चार भाइयों को पास में ले आई। बोले देखो तुम चार ही भाई हो और ये तुम्हारी चार ही बहुएं हैं, अपना अपना बहुओं को छांट लो कौन किसकी बहू। बोले देख राम तुम बड़े भैया हो, छोटे भाई की जो पत्नी है वो बेटी के बराबर होती है, अगर तू अपना बहू को नहीं छांट करके अगर छोटी भाई की बहुओं को अगर बोल दिया बहू, मतलब बेटी को बहू बनाना हो गया। छोटे भाइयों को समझाए सावधान, बड़े भाई का पत्नी माँ की बराबर है, तुम भी अपना बहुओं को छांटो नहीं तो माँ को बहू बनाना होगा। लेको ये तुम्हारी चार ही बहू और ये तुम चार हो, लेकिन अभी तो कोई अपना बहू को कभी देखा है? वो तो इतने घूंघट उतार करके लाए, अब पता कैसे चलेगा। इतने में चार भाइयों का तो पसीना पसीना बहने लगे। राम को बोले जल्दी जल्दी बोल चारों में तुम्हारी कौन बहू है। इनमें राम ने बोले ये मेरी बहू है, लेकिन सही सही सीता को छांट दिया। इतने में भारत जी को बोले बताओ तेरी बहू कौन है, बोले ये मेरी बहू है, बोले सही सही बता दी। इतने में शत्रुघ्न को बोले, बोले तेरी बहू कौन है, बोले ये मेरी बहू है, बोले भैया ये तो सही सही बता रहे हैं। इतने में लक्ष्मण को बोले तुम्हारी बहू कौन, बोले ये मेरी बहू। सही सही चार ही बहुओं ने चार ही भाइयों ने चार ही बहुओं को छाट लिए। जितने सालियां थी वो तो आश्चर्य में पड़ी गई, ये पता कैसे चला। राम ये बताओ
तुमने कैसे पहचाना तुम्हारी बहू? बोले देखो मैं सीता को दो बार मिला हूं, जब वाटिका में पुष्प चयन करने गया था तभी मैंने मिला, फिर सीता जब गले में माला डाल रही थी तभी मैंने मिला, इसलिए मेरे को पता चल गया मेरी बहू कौन है। बोले ये बात? बोले हाँ। भरत को बोले तुमको कैसे पता चला ये तेरी बहू? बोले जब मैं कोई भी काम करता हूँ प्रभु राम की चरण को चिंतन करते हुए करता हूँ, इसलिए हर बात में मैं सक्सेसफुल हो जाता, इसलिए मैंने अपना बहुओं को छांट लिया। बोले ये बात? बोले हाँ। शत्रुघ्न को बोले तुमको कैसे पता चला तुम्हारी बहू कौन है? बोले देखो चार भाइयों में मैं सबसे छोटा हूँ, मैंने देखा ये चारों में जो सबसे छोटी होगी ना वो मेरी बहू होगी, इसलिए सबसे जो छोटी थी मैंने बोल दिया भाई ये मेरी बहू। बोले ये बात? बोले हाँ। लक्ष्मण को पूछे तेरे को कैसे पता चला ये तेरी बहू? बोले ये सीधी सी बात, तीनों ने जब तीनों को छांट लिया जो बच गई वो मेरी बहू है, इसलिए मेरे को पता चल गया ये मेरी बहू, इसलिए सब लोगों ने खूब हंसी की। अभी 6 महीना बराती रही, जनक महाराज जाने ही नहीं दे रहे थे। जब 6 महीना के बाद में बराती आई, इतने में कई कई पहला बार जब सीता जी की मुख दर्शन करती इतनी संतुष्ट हो गई, अपना कनक भवन ही उनको दे दी, कनक भवन उन्होंने दे दिए, और चार जो तीनों जो माताएं कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, हर माताएं सोचती हैं मेरी घर की जो बहू सुंदरी हो, क्योंकि ये चार भाई स्वयं विष्णु अंश में आए हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चार स्वयं विष्णु अंश में आए और एक से एक सुंदर, इसलिए ये तीनों सोच रहे थे भैया हमारे बहू कैसे होनी चाहिए। इसलिए माता कौशल्या ने जब पहला बार उन्होंने सीता जी की घूंघट खोल करके सीता जी की दर्शन की, सीता जी इतनी सुंदर थी घूंघट खोले तो लगा ऐसे मानो दिन में एक चंद्रमा कहीं प्रकट हो गई, इतनी सुंदर थी सीता, और कौशल्या देख करके तो प्रेम में गदगद हो गई, मेरे बेटा जितने सुंदर हैं बहू भी कम सुंदर नहीं, प्रसन्न हो। फिर तीनों रानी अपना अपना बहुओं को देखा, एक से एक सुंदरी, सबके सब प्रसन्न हो गए इतने सुंदरी। अभी मैया यशोदा ये कथा सुना रही, बोले किसको? कृष्ण को सुना रही, थपथप लगा करके ये सारी बात कृष्ण को मैया यशोदा सुना रही, और कन्या करे थे। इतने में जिस समय रात राम का राज्य सिंहासन, उनको राज सिंहासन में बैठने जा रहे थे, इतने में कैकेयी ने वास मंथरा ने कैकेयी को बुद्धि को भ्रष्ट कर दी, बोले अगर राजा राम बन गए चिरकाल के लिए तू दासी बन करके रहोगे, जो एंड नहीं ना सब खत्म हो जाएगी, इसलिए तुमको राजा बोले थे दो बार देंगे, इसी समय तुम मांग लो, एक बार में तेरा बेटा भरत राज सिंहासन पर बैठेगा, दूसरे बार में रामचंद्र को 14 साल के लिए वनवास भेज दो। अभी इसी बर मांगने पर राम लक्ष्मण सीता जी बने में चले, जब बने में चले गए इतने में सुपर्णखा प्रभु राम रूप देखकर के मुग्ध हो गई और शादी करना चाहती है, लक्ष्मण उसको नाव काट दिए और सुपर्णखा ने जाकर के रावण को भड़काया, बोले रावण इतने सुंदरी एक स्त्री मैंने देखा जिंदगी में मैंने कभी देखा ही नहीं, मैं तो चाह रहा था उसको तुम अपनी पटरानी बनाओ, लेकिन मैंने उसको लेने के लिए गया तो दोनों भाई भड़क गए और मेरे नाक कान काट दिए, इसका प्रतिशोध तुम लो। इतने में रावण ने संन्यास वेश धारण करके आए और सीता जी को उन्होंने उठा करके ले गए। जब मैया यशोदा इतनी सी बात कृष्ण को सुनाए, कृष्ण कौन है? वही राम तो कृष्ण बन करके आए ना, जब कृष्ण को बोले सीता जी को रावण उठा करके ले लिया, कृष्ण भी छोटे बच्चे है केवल 2-2.5 साल के, कृष्ण सुनते ही कृष्ण भड़क गए, जो सो रहे थे गोदी में कृष्ण खड़े हो गए, बोले लक्ष्मण लक्ष्मण मेरे धनुष ला, मैं देखता हूँ रावण कैसे मेरी सीता को उठा करके ले जाएगा। मैया को तो पता है कि वही राम ही अभी कृष्ण बन करके आए, मैया तो सोच रही थी ये मेरी लाला है, बोले भैया इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया। ऐसे ही मैया यशोदा कन्हैया को सुलाते समय प्रभु राम की कथा सुना सुना कर कृष्ण को सुलाई करती थी, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्री सियावर रामचंद्र की, बोले श्री पवन सुत हनुमान की, जय जय।
कल कथा में श्री गिरिराज की पूजा है। क्या है? कल श्री गिरिराज पूजन है। ये भागवत कथा में ये गिरिराज की जो पूजन है ना, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस समय कृष्ण ये गिरिराज गोवर्धन की उन्होंने पूजा की, स्वयं गिरिराज प्रकट वहां पर हुए, साक्षात रूप में दर्शन दिए और उन्होंने ये वरदान दिया। ये अर्णकुट महोत्सव में केवल एक अन्न का दाना ये गिरिराज की सेवा में कोई लगा दिया, किसी जीवन में घर में कभी अन्न और वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगी, घर में माँ लक्ष्मी अन्नपूर्णा भरी रहेगी। ये कृष्ण स्वयं गिरिराज ने ये बात बताए। गिरिराज और कोई नहीं, ये श्री भाग्य बिहारी। एक स्वरूप में तो पूजा करवाए, दूसरे स्वरूप में पूजा ग्रहण किए। इसलिए कल हम यहाँ पर श्री अन्नकूट गिरिराज की हम पूजा करवाएंगे। इसलिए आप भक्त लोग जितने आए हैं, कल गिरिराज के लिए कुछ कुछ लेकर के आना, जैसे कोई फल थोड़ी सी हो, नहीं तो मिठाई हो, अगर शुद्ध रूप में आप बना सकते हो, जैसे हलवा, कोई पूरी, नहीं तो कोई सब्जी, कुछ ना कुछ, जैसे तही, लेकिन शुद्ध रूप में बगैर प्याज लहसुन के, हैं, बगैर प्याज लहसुन के, अगर शुद्ध रूप में कोई चीज बना सकती हो, बना करके लाना, नहीं कोई मिठाई, नहीं तो कोई फल जरूर लेकर के आना। खाली हाथ से कोई कल नहीं आना, क्योंकि एक बार श्री गिरिराज की पूजा करोगे ना, तुम्हारी जन्म जन्मांतर की जो दुख है वो सारे समाप्त हो जाएगी। ये स्वयं बांके बिहारी ये बात बताए, ठीक है ना? कल सबके सब लेकर के आना, कल यहाँ पर गिरिराज की झांकी होगी, ये सबके सब भोग लगेगा, और जो भोग लगने का बाद ये सब चीज आपको ही फिर मिलेगा, सब एक साथ में मिला करके फिर आपको सबके सब प्रसाद आपको भी मिला, ठीक है? बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। जोर से जयकार लगाओ। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। अभी चलो हम मथुरा में चलते हैं। क्या हुआ है? जिस समय श्री वसुदेव महाराज कृष्ण को लाए गोकुल में और यहाँ से जोग माया को लेकर के चले गए अंदर में, अंदर में चलते ही, प्रवेश करते ही अंदर में, इतने अपने दरवाजा अपने आप बंद हो गया, हथकड़ी बड़ी अपने आप पड़ गई, और वो बच्चे जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दी, और बाहर जो पहरादार थे जग गए और कंस को बोल दिए, तेरे काल ने जन्म ले लिया। कंस तो दौड़ दौड़ करके कंस आया, देखा वो बेटा नहीं, वो बेटी है। देवकी ने बोली, भैया तू मेरे छह छह बेटे को मार डाले, एक बेटे को तुम, बेटी को तू छोड़ दे। बोले जो कुछ क्यों नहीं, वो बेटा नहीं तो बेटी, आकाशवाणी हुई थी, अष्टम गर्भ का संतान मेरे काल बनेगा। वो अभी तक थी जोग माया, लेकिन जब कंस ने कर लिए वो हो गई महामाया। जब उसने पछाड़ने के लिए गया, इतने उसने अष्ट भुजाओं को धारण करते हुए कंस को एक ठोकर मारी तो कंस होकर गिर गया और आकाश में जाकर के बोली, रे मुड़ा कंस, तू मुझे क्या मारोगे, तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र जन्म ले चुका है। कंस ने देखा कुलदेवी, ये तो कभी झूठ नहीं बोल सकती है, फिर देवताओं ने मेरे साथ में क्या बेईमानी की। उसने सारे उसने पूरा घास और बकास उनको सबको बुलाया, बोले बताओ क्या करनी चाहिए। इतने में पुतना खड़ी हो गई, बोले भैया मेरा नाम ही पुतना है, पुत मतलब पुत्र, ना मतलब नहीं, जिसकी पुत्र नहीं। फिर ये पुत का क्या काम है, मेरे को आदेश दे, एक महीना को अंदर में कहीं भी बच्चा जन्म लिया होगा सबके मैं समाप्त कर दूंगा। बोले बहन जल्दी से जल्दी ये काम करो, पुतना स्तन में काल को बीच लेकर के सीधा आ गई गोकुल में। जब गोकुल में आए, कृष्ण का उम्र हो गया अभी 6 दिन का, जब गोकुल में आए, जहां पर जाए वहीं पर केवल एक ही धुन है। क्या धुन है? बोले जियो श्याम लाल कृष्णा, जियो श्याम लाल पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाल।
मैया जसोदा रोहिणी वहां पर बैठी हुई थी, कन्या को पल्ले में झूला रहे थे, पुतना तो कोई बोल चाल नहीं, सिर्फ था कृष्ण को पकड़ करके गोद में उठा ली। जब उठा ली इतने में कृष्ण आंख बंद कर देते हैं। बोले क्यों आंख बंद करते हैं? हमारे टीकाकार तो उसको पूछे 10 कारण बताए कृष्ण क्यों आंख बंद करे। अभी ध्यान देकर के सुना, अरे अभी तो मैं बताऊंगा, कल आपसे सुनूंगा, ठीक है। पहला कारण बताए, ये पुतना कौन है? ऊपर में तो माँ के रूप धारण करके आए, लेकिन अंदर में राक्षसी कपटी है। भगवान कहते जो कपट व्यक्ति होते हैं इनका मैं मुंह नहीं देखना चाहता हूं, इसलिए भगवान आंख बंद की। दूसरा अर्थ बताए, बोले पता है गोकुल में जितने बच्चे हैं कौन? बोले ये सबके से मेरी सखा सखियां हैं, इनको मारने के लिए आई हो, इसलिए दर में मुंह देखना नहीं चाहता। तीसरा कारण बताए, आई तो माँ के रूप धारण हुई, भगवान तो बध करेंगे, अब ये छटपट आएगी। यद्यपि भगवान मारेंगे लेकिन तब भी ठाकुर जी बड़े दयालु हुए, लेकिन हे तो माँ के रूप धारण करके आई, इसके दुख को मैं कैसे देख सकती हूँ, देख सकता हूँ, इसलिए भगवान यहाँ पर आंख बंद कर दिए। चौथा कारण बताए, बोले ये पूर्व जन्म में ऐसे कौन सा पुण्य की है जो कि मेरे को गोद में उठाना चाहते हैं? बोले क्यों? बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नहीं, लेकिन क्या पुण्य कर्म की मेरे को गोद में उठा रही है। आंख बंद कर देगा, सचमुच से पूर्व जन्म में बहुत पुण्य की। क्या पुण्य की थी? पहले श्रवण किया था, जब भगवान बामन बन करके बलि महाराज का दरबार में आए, ये बलि महाराज का बेटी रत्नमाला थी, प्रभु को देख करके मन में इच्छा हुई, क्या ये मेरे बेटा बन करके आएंगे, जिनको गोद में लेकर मैं प्यार कर सकती हूँ। भगवान बोले कोई बात नहीं, बेटा बन करके आऊंगा, लेकिन जब सब कुछ ले लिए, पिताजी को बांध दिए, बोले अगर बेटा बन करके आओगे ना, तेरे को प्यार किया, तेरे को मैं जहर पिलाऊंगा। बोले कोई बात नहीं, वही अभी ये पुतना बन करके आए। इसलिए पंचमा कारण क्या है, अभी वो स्तन में कालकूट जहर लेकर के आए, अभी भगवान को जहर पिलाएगी, लेकिन भगवान के गर्भ में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड विद्यमान, विश्व ब्रह्मांड ध्वंस हो जाएगा, सारे देवता ऋषि मुनि लोग घबरा गए, बोले हे प्रभु आप स्तन पान मत किया करो, उसमें जहर है, आपकी गर्भ में ये विश्व ब्रह्मांड विद्यमान, आप जहर मत किया करो। इतने में कृष्ण आंख बंद करके श्री भोले बाबा को याद कर रहे हैं, बोले भोले जल्दी जल्दी आओ। शंकर जी बोले क्या बात है? बोले क्या बात किया, आपका काम है बीस पीना और मेरा काम है दूध पीना, आप तो बीस बीस को पी लो और मैं दूध दूध को पी लेता हूँ। इसलिए भगवान आंख बंद किए, जब उन्होंने जहर पान कराए, भगवान जहर क्या पान करेंगे, उसको प्राण को उन्होंने शोषण की, उसने कोशिश की छुड़ाने के लिए, भगवान बोले देखो मैं तो केवल पकड़ना जानता हूँ, छोड़ना तो अभी तक मैंने कभी सिखा ही नहीं। तुम माँ की रूप धारण करके आई, फिर मेरे को स्तन पान कराई, तेरे को मैं कभी छोड़ सकता हूँ? तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक अपना चरण में तेरे को नहीं पहुंचा दूं। इसलिए बहुत कोशिश की, जब छुड़ा नहीं सकी, वो सोच रही है किसी तरह से मैं इसको अगर मथुरा ले जाऊं ना, मेरे भैया कंस कुछ ना कुछ करेगा। इतने में धीरे धीरे पुतना अपना विशाल भयंकर रूप को धारण की, इतने बड़ी थी, बोले त्रिगंभीर थी, प्लस 8 मील लंबी चौड़ी थी। भयंकर रूप को लेकर कृष्ण को पकड़ करके आकाश में उड़ चली। बोले कहां ले गई? बोले कंस के एक सुंदर बगीचा था, सुंदर सुंदर फल फूल में भरा हुआ था, लेकिन कंस का निर्देश है यहाँ का कोई भी फल और फूल कृष्ण और कृष्ण भक्तों को मिलना नहीं चाहिए, सबके सब मेरे को और मेरे जितने अनुजाई उनको मिलनी चाहिए। भगवान बोले दुनिया बनाया मैंने, दुनिया मेरा, और मेरे को नहीं मिलेगा और मेरे भक्तों को नहीं मिलेगा, ये दुष्टों को मिलेगा। इतने में जोग माया पुतना को लेकर वहीं पर चली गई और पुतना को बगीचा में गिराई, जितने फल फूल थे सबके सब सत्यानाश उन्होंने कर दी, उजाड़ दी। देखो आप लोग करीब करीब 6-7 दिन तक कथा सुनोगे, कथा सुनोगे ना, ऐसे नहीं कथा में आए कथा खत्म और हम भी खत्म, हाँ, और जाते समय पल्लू झाड़ कर यहाँ से चली गई, कथा यही रही और हम घर में जा रहे, नहीं, कथा से हा?
मटकी फड़ी ना, ठीक है, और 5 मिनट की मटकी फड़े और 5-10 मिनट रुक जा, इसके बाद में मटकी फड़े के ठाकुर जी कथा से कुछ लेकर के जाना। इसी विषय को ऊपर टीकाकार बहुत अच्छी बात सिखा देते हैं, कम से कम आज इतनी सी बात लेकर घर में जाओ, ध्यान देकर सुनो, कथा से क्या लेकर के जाओगे ये चीज को ध्यान देकर सुना। ये उपनिषद कहता है सर्वम जगत क्या जगत क्या जगत, मतलब ये विश्व ब्रह्मांड में हम जो कुछ देख रहे हैं, दुनिया को किसने बनाया, बोले भगवान ने बनाया। फिर क्या करो, उपनिषद कहते हैं घर में जो चीज है पहले भगवान को भोग लगा, तेना त्यक्तो न भुंजता, पहले वो चीज भगवान की, राम हो कृष्ण हो नारायण हो, पहले जो कुछ घर में बनता है पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, तुलसी पता देकर के ठाकुर जी को भोग लगाओ। भगवान कहते हैं गीता में, बोले यज्ञ शिष्टा सिन संत मुच्यन्ते सर्व क्लिशय भुंजन्ते तु अघम पापा जे पचन्ति आत्मकारणम। अगर जो व्यक्ति मेरे को भोग लगा करके भोजन करते हैं वो सारे पाप से मुक्ति मिल जाती है। जो व्यक्ति खुद बना करके खुद खाना खा लेते हैं, मेरे को भोग भोग कुछ नहीं लगाते हैं, बोले भुंजन्ते तु अघम, वो केवल पाप भोजन करते हैं, केवल वो पाप भोजन करते हैं। कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो व्यक्ति मेरे को भोग लगा कर खाएगा किसका फल किया, बोले प्रसादे सर्व दुखानां हनिरस्यं उपजायते। अगर जो व्यक्ति मेरे को भोग लगा कर खाना खाएगा कहते उसका घर का जितने दुख कष्ट है सारे दुख कष्ट समाप्त हो जाएगा, घर में कोई दुख कष्ट नहीं रहेगा। बोले क्यों, बोले सब कुछ मेरे को भोग लगा कर खाना खा रहे सारे दुख कष्ट खत्म हो जाएगा है। इसलिए मनुष्य हिता कहता है बोले स्वाचारिणा निरंज सुर जो वस्तु मेरे को भोग नहीं लगता है, बनाया खाना और खुद चट कर लिया खा लिया, ये मनुष्यता कहता है स्वान बिष्टा समच अन्न, वो दाल भात सब्जी नहीं कहते कुत्ते का बिष्टा खाने का बराबर, ये मनुष्यता कहता है। इसलिए घर में जो कुछ बनता भगवान को भोग लगा। हम बोले कि भैया मांस मछली भी बनाते हैं क्या उसको भी भोग लगा देंगे, बोले नहीं मांस मछली नहीं खानी चाहिए। कल मैंने इन लोगों को इसी विषय के ऊपर में बहुत मैंने इनकी क्लास दे रहा था, मांस मछली क्यों नहीं खानी चाहिए, ये चीज ठाकुर जी को क्यों भोग नहीं लगता है। अभी भी आपको 5 मिनट समझाने के लिए कोशिश करता हूँ, ध्यान देकर के सुनो। कभी कभी हमारा मन में ये शंका आती है भैया अगर मांस मछली नहीं खाएंगे कमजोरी नहीं हो जाएगी, बच्चे लिखा पढ़ा करेंगे, हमको इतने काम धाम करना पड़ता है, अरे हम कमजोर नहीं हो जाएंगे अगर मांस मछली नहीं खाएंगे तो। बढ़िया अच्छे तरह से मन लगा कर सुनो, 5 मिनट पूरा कथा को ध्यान देकर सुनो, आप भी ये चीज को समझो दूसरों को भी आप समझा सकते हो। देखो एक तरफ में निरामिषी आहार, दूसरे तरफ में आमिष, मतलब वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, आप समझ रहे कि नहीं, एक तरफ में निरामिष दूसरे तरफ में आमिष। देखो एक तरफ में देखो जो आमिष भोजन करते हैं मतलब मांस मछली खाते हैं, ये कुत्ता क्या खाता है, ये मांस खाता है। आप देखना कुत्ता जब थोड़ी सी दौड़ करके जाता है भागने जाता है देखना वो हाँफने लगता है, हाँफता है कुत्ता। देखना कुत्ता सोया हुआ होगा तभी उसको जीभ निकाल करके हाँफते हुए देखोगे। एक सिंह को देखो, शेर को देखो, एक बाघ को देखो, आपके घर में तो टीवी होगी, आप डिस्कवरी खोल करके देखना, जब एक बार मांस खाते ही ये सिंह और बाघ 5-6 दिन तक लेटे रहते, क्यों, कच्चा मांस खाए उसको हजम करना पड़ेगा। अक्सर करके इनको देखोगे बाघ को वो जीभ निकाल करके ऐसे पड़ा हुआ रहता, एक बार मांस खाने का बाघ पड़ा हुआ रहेगा। और शेर को देखना वो ऐसे पंजा करके बैठा होगा, सर को हफ्ता हुआ देखोगे, ये सबके सब नन भेज जो मांस मछली खाने वाले। देखो दूसरे तरफ में वेजिटेरियन देखो जो निरामिष भोजी, एक घोड़ा क्या खा रहा है, आप लोग घोड़े को देखे हो, ये घोड़ा क्या खाता है, घास खाता है, छोला खाता है। लेकिन जब हम किसी मशीनी को उदाहरण देते हैं ये मशीनी में कितने पावर, किसको साथ में उदाहरण देते हैं, कितने हर्ष पावर, कितने हर्ष, कितने घोड़े को,
है, वो घोड़े को साथ तुलना दिया जाता है, रेस की होती है, ये घोड़ा का रेस होता है, शेर का होता है ना कुत्ते का रेस होता है, ये घोड़ा का रेस होता है। हम वृंदावन में रहते हैं, एक एक घोड़े गाड़ी में 15-15-20-20 आदमी घोड़ा बैठा करके अकेला खर्च कर जाता है, इतने शक्ति। एक हाथी क्या खाता है, पेड़ पौधा खाता है, ये भी भेजेंगे। हाथी जैसे इतना बलवान शरीर में है, इतने बड़ा शरीर किसका क्या है, हाथी जैसे इतने बड़े शरीर किसका नहीं, इतने ताकत भी किसी शरीर में नहीं। फिर देखो एक बैल, बैल क्या खाता है, घास खाता है, देखना दिन भर खेत में काम करता है। एक गधा क्या खाता है, वो भी घास खाता है। हम कहते हैं ना तू दिन भर गधे जैसे काम कर रहे हो, हाँ दिन भर गधे जैसे काम करते हो। यहाँ पर देखा है जो व्यक्ति भेजे टरिया है इनकी अंदर में ज्यादा शक्ति, जो नर भेज खाने वाले मांस मछली खाने वाले ज्यादा शक्ति नहीं। साइंटिस्टों ने रिसर्च करके देखा, एक वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों व्यक्ति को बुलाया, बोले हाथ ऐसे करो, दोनों को बोले ऐसे हाथ करो, बोले जो नॉन वेजिटेरियन मांस मछली खाने वाले वो ज्यादा समय तक हाथ नहीं कर पाए, हाथ थोड़ी देर बाद अपने आप नीचे उतर करके आ गया। जो वेजिटेरियन खिला साग फल मूल खाते ही बड़े समय तक हाथ को रखा। आप देखना जो वेजिटेरियन वो ज्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं, नॉन वेजिटेरियन ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहते हैं। आप लोग जो लिखे पड़े इंटरनेट खोल कर देखिएगा, इंटरनेट खोल करके देखना, वहां पर बताए पृथ्वी में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक और कैंसर में कौन मरते हैं, देखते जिस देश में ज्यादा मांस मछली खाते हैं उसी देश में ज्यादा हार्ट अटैक और कैंसर रोग में वही ज्यादा मिलते हैं। आप किसी हॉस्पिटल में जाओ, किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के पास में जाना, देखना कितने ज्यादा जो बीमार लोग उसको पास में कौन आता है, देखना मतलब जितने ज्यादा जो मांस मछली खाने वाले वही ज्यादा बीमारी ग्रस्त हो, वही ज्यादा और डॉक्टर के पास में ज्यादा जाते हैं। और देखो और एक चीज को अच्छे तरह से समझो, भगवान हमारी ये जो शरीर बनाए ये वेजिटेरियन बनाए, नॉन वेज नहीं। जैसे एक कुत्ते का दांत कैसे है, एक बिड़ाल की दांत के बिल्ली की दांत कैसे, एक शेर का बाघ का दांत कैसे है, नोकीले नोकीले, क्यों उसको मांस खाएगा इसलिए भगवान उसको नोकीले दांत बनाए। जितने मैंने वेजिटेरियन नाम लिया, जैसे कि गधा, जैसे एक बैल घोड़ा, दांत कैसे देखो हमारी जैसे दांत है कि नहीं हमारी जैसे, क्योंकि भगवान इनको वेजिटेरियन बनाए, दांत भी वैसे दिए है। अब देखो जो लोग नॉन वेजिटेरियन बताए जैसे कुत्ते शेर, इनका स्वभाव कैसे, कहते हैं ना जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, इनका स्वभाव देखो काटने खाने जाते हैं, क्यों खाते हैं मांस मछली, इसलिए इनकी स्वभाव में बड़े उग्र स्वभाव है। लेकिन एक बैल को देखो, एक घोड़े को देखो, एक है एक बकरी को देखो जो वेजिटेरियन, इनका स्वभाव कैसे है, एकदम शांत शिष्ट स्वभाव, क्यों जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। देखो आप लोग डिस्कवर कभी खोल करके देखना, जितने नॉन वेजिटेरियन आप देखोगे उनका आंखों को देखोगे रात में जलते हुए जलता होगा, लेकिन मैंने जितने वेजिटेरियन का नाम बताया ना उनका आंख रात में नहीं जलती है। और जितने नॉन वेजिटेरियन मैंने नाम बताई वो पानी कैसे पीते हैं आप देख कर देखना, जीभ में पानी पीते हैं, जीभ में चाट चाट करके। लेकिन जितने वेजिटेरियन नाम बताए उनको देखो पानी कैसे पीते हैं, मुंह लगा कर पानी पीते हैं, ये मुंह लगा करके। इसलिए कभी जितने नॉन वेजिटेरियन हमने नाम बताए इनकी जो भोजन की जो आंत होता है, अंदर का जो आंत जो भोजन का नाड़ी केवल इनकी 2 मीटर होता है, इसलिए ये कच्चा मांस खा करके भी हजम कर देते हैं, क्यों हमारी जितने हजम शक्ति उनका पेट में 10 गुना ज्यादा हजम शक्ति, इसे वो कच्चा मांस खाकर हजम कर सकते हैं। आप लोग इतने टुकड़ा भी कच्चा मांस खा सकते हो, कच्चे मांस को खा सकते हो, हजम कर सकते हो, नहीं कर सकते, बोले क्यों, बोले भगवान हमारी शरीर ऐसे नहीं बनाया, हमारा शरीर वेजिटेरियन बनाए भगवान, इसलिए हम इसको खा करके हजम नहीं कर सकते हैं। कहते जितने वेजिटेरियन नाम मैंने बताई, कहते इनका जो आंत है कितना मीटर है, बोले 6 मीटर है, हमारे पेट का आंत 6 मीटर है, और उनका जो नॉन वेजिटेरियन 2 मीटर होता है, भगवान उनको बनाया वैसे। हाँ और तीसरी चीज समझो, आप बताओ 1 किलो मांस का दाम कितने हैं, बकरी 1 किलो दाम कितना, समझो 5 रुपया होगा है ना, 5 6 रुपया
फिर एक किलो मांस लाओ, फिर उसके लिए मसाला लाओ, फिर उसमें करते करते समझो 1000 रुपया लगेगा कम से कम एक किलो मांस को रोसी बना कर खाने के लिए। 1000 रुपया लाए खत्म एक टाइम। अगर 1000 रुपया में आप कोई साग सब्जी घर में लाओ, बताओ तो कितना दिन खाओगे? बताओ एक दिन लाओ कितना दिन खाओगे? 1000 की 5-7 दिन तक खाओगे। और उधर क्या हुआ, एक टाइम लाए और खत्म। फिर परमा नष्ट, शरीर नष्ट, सब कुछ नष्ट है। इसलिए इसको कहते, देखो मैं तो कोशिश करता हूँ समझाने के लिए, इसका नाम है मांस। आप लोग कोई संस्कृत पढ़े हो थोड़ी बहुत? कौन कौन पढ़े हो संस्कृत? तो हाथ उठाओ तो थोड़ी सी जिसको ज्ञान हो। देखो एक दो माता ने, ये संस्कृत शब्द है, आप पढ़ करके देखिए ये मांस शब्द का मतलब क्या। मांग मतलब होता है मुझको, सह मतलब होता है वह, मतलब जिसको अभी तुम खा रहे हो बाद में तुम्हें जो खाएगा। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मीट। मीट मतलब क्या, मी ईट, मी ईट, मी मतलब मी मुझको, ईट मतलब होता है खाना, तुम जिसको खा रहे हो बाद में जो तेरे को खाएगा। अब किसी भी भाषा में, मैंने रशिया जाता हूँ वहां पर भी मैंने पूछा भैया मांस को तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं, बोले मैं मांस, बोले भैया इसका मतलब कि आप तू जिसको खा रहे हो बाद में तेरे को जो खाएगा। इसलिए भागवत में ये कृष्ण खुद कहते हैं श्लोक भागवत का, बोले जे तो नैवम विदसंतु सदा सदभिमानिन पशुन गृहन्ति वृषद्या प्रत्याखदन्ति चेतानि, भागवत का श्लोक है। मतलब है इसी जीवन में हम जिसी को खा रहे हैं अगले जीवन में फिर वही हमें खाएगा। अगर आपको एक थप्पड़ लगाता हूं आप क्या करोगे, झट दो मारोगे, मारोगे नहीं झट दो मारोगे। इसलिए जो पाप है ना वो किसी अपना बाप को भी नहीं छोड़ता है, केवल हम भगवान की संतान ही। देव कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, पिता अहम स जगत धाता माता पिता, हम कहते ना तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, सब हम भगवान के एक पिता के सब संतान है। क्या हम ठाकुर का संतान और ये जो बकरी मुर्गा ये भगवान की संतान है? ये सबके सब भगवान के संतान है, हम सबके सब ठाकुर जी के संतान है। इसे कृष्ण गीता में कह रहे हैं, इसी जीवन में हम जिसी को काट करके खा रहे हैं अगले जीवन में फिर हमें वही खाएगा। देखो भागवत की कथा सुनाता हूँ, ये भागवत की कथा है। भले हमारे भारत में एक राजा थे, सूरत नाम का राजा थे, वो यज्ञ करते थे, यज्ञ में पशु को बलि देते थे। एक दिन श्री नारद जी मिले, बोले तुम क्या कर रहे हो? बोले वेद ने बताया यज्ञ में पशु बलि देने चाहिए, इसलिए मैं पशु बलि दे रहा हूं। बोले बेटा तुमको पता है इसका फल क्या? बोले फल क्या? बोले तेरे को अभी मैं दिखाता हूं। उन्होंने कमंडल से पानी लिए, पानी लेकर के उन्होंने उसको ऊपर में छिड़काव कर दी, देखा ये शरीर छूट गया और 3 जमदूत उसको पकड़ कर ले जा रहे हैं। देखा जितने जानवर को मारा था वो लाइन से खड़े हुए और खड़गल लेकर तलवार ऐसे लेकर खड़े हुए। उसने पूछा भैया तुम लोग कौन हो? बोले तेरे याद है पहले जन्म में तुमने हमको काट कर खाए थे, याद है कि? बोले हाँ याद है। बोले इधर आ जा हम तेरे प्रतिशोध लेंगे, ये मत समझो पाप कर लिया गया, नहीं हर चीज को भोगना। उसको शरीर को टुकड़े टुकड़े करके काट रहे थे, वो चीख रहा था छोड़ दो छोड़ दो। तू जब हमें काट रहा था हम भी चीख रहे थे, तुमने छोड़ा हमें, टुकड़े टुकड़े करके शरीर को काट रहे थे, भागवत की कथा है। फिर नारद जी फिर मंत्र पुत्र करके पानी जब छिड़काव कराए फिर जिंदा हो गया, उसका शरीर कांप रहा था। बोले तुमने क्या देखा? बोले मैंने देखा जितने जानवर को हमने खाया था वो सबके सब मेरे शरीर को टुकड़े टुकड़े करके काट रहे थे। बोले देख बेटा पाप अपना बाप को भी नहीं छोड़ता है, जीवन में कोई कष्ट आए ना हम बिलबिलाते हैं हमने कुछ नहीं किया भगवान हमें, बोले कुछ नहीं किया अपने आप हो गया, जैसे बीज बोगे वैसे ही फल वहां पर आएगी। इसलिए आप लोग देखो मैं कोशिश की आपको समझाने के लिए, जैसे कम खर्चा हो घर में, पैसा भी कम खर्चा हो घर में है और घर में शांति सुख आए। आप स्वयं देखा घर में बड़े दुख कष्ट है किसी तरह से तुम्हारे दुख कष्ट जाए नहीं रहे, ये संतों का कहना है। आप लोग एक प्रश्न करता हूं बताओ, आप लोग जीवन में सुख चाहते हैं ना दुख चाहते हैं? बोलो बोलो सुख चाहते हैं ना दुख चाहते हैं?
बोलो जोर से, सुख चाहते हैं। कोई भी जीवन में दुख नहीं चाहते हैं, लेकिन हम एक बात कहते हैं भैया, दूसरों को सुख दो फिर सुख मिलेगा, है ना? दूसरों को सुख देने पर सुख मिलेगा। अगर हम दूसरों को कष्ट दे रहे हैं और जीवन में सुख चाह रहे हैं, ये संभव क्या है? आप बताओ संभव क्या है? नहीं। यही चीज को समझो, जब हम एक जानवर को जीव को काट कर खा रहे हैं, फिर सोच रहे जीवन में सुख मिले, फिर कैसे जीवन में सुख आ सकता है? तुम दूसरों को स्वयं कष्ट दे रहे हो, हैं? इसलिए आप स्वयं देखना, हम कितने दुख कष्ट क्यों भोग कर रहे हैं, क्योंकि दूसरों कष्ट दे ही रहे हैं हम। इसलिए संसार में इतने तरह तरह से, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई कोई सास से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई तन से, कोई धन से, कोई मन से, क्यों इतना दुख उठा रहे हैं? कारण यही है, हम दूसरों को कष्ट दे रहे हैं, इसलिए कष्ट भोगना पड़ रहा है। देखो एक चीज कर लेना, केवल मैं बोलने पर आप 7 दिन ये चीज को मत खाया कर, घर में शुद्ध रूप में खाना बनाओ। भगवान कृष्ण होंगे, राम होंगे, नारायण होगा, घर में उनको अर्पण करो और उसमें तुलसी पत्ता देकर भोग लगाओ। अब घर में सारे बच्चों को परिवार में खाना खा कर केवल 7 दिन देख लो, घर की जितनी समस्या, जो समस्या आपसे हल नहीं हो रहा है, आप 7 दिन को अंदर में देखोगे घर में एक अद्भुत शांति सुख आ जाएगी। कहते ना जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, भगवान को अर्पण करके प्रसाद खाओगे ना, घर नहीं तुम्हारी पर वैकुंठ बन जाएगी, भगवान की धाम बन जाएगी, ठीक है ना? इसलिए यहाँ पर हमारे टीकाकार कहते हैं, ये उतना को क्यों भगवान उसको लेकर उसका बगीचा में, कंस की बगीचा में क्यों गिराया? टीकाकार लोगों ये कहते हैं, कंस का निर्देश था, यहाँ का कोई भी फल फूल कोई ब्रजवासी और कृष्ण सेवा में नहीं लगनी चाहिए, ये सब के सब मेरे और मेरे अनुजाइयों की सेवा में लगनी चाहिए। भगवान ने बोले दारी से दुनिया बनाया मैंने, दुनिया मेरा और मेरे को नहीं मिलेगा, मेरे भक्तों को नहीं मिलेगा। उसने पुतना को उड़ा करके वहीं पर ले गई और ऐसे उन्होंने गिराया, सबके सब सत्यानाश कर दिया। यहाँ का टीकाकार कहते हैं, अगर हर चीज भगवान को भोग लगा कर खाओगे, लेकिन ब्रजवासी का कोई चीज नष्ट नहीं हुआ, कोई भी चीज नष्ट नहीं हुई, क्यों? भगवान की भोग लगा कर खाते थे, उनकी कोई चीज नष्ट नहीं हुई, भगवान रक्षा करके। लेकिन इसका सारे बगीचा गुजार दिया भगवान, अगर भगवान को नहीं तो फिर पुतना उड़ कर आ जाएगी हमारे घर में, फिर तो बड़े जोर से गिरेगी। पुतना मतलब क्या? घर में दुख कष्ट आ जाती है, ठीक है? कथा से का आज देखो, हम लोग संत हैं, हम तो आपका जितने कल्याण हो, कल्याण की बात करेंगे, हैं? आपके कल्याण जैसे हो, सुख हो, शांति हो, ये बात आपको करेंगे। इसलिए जब पुतना को गिराया, पीछे आगे मेरे हमारे लाला कहाँ गया, लाला कहाँ गया? देखा लाला पुतना को छाती के ऊपर किलकर मारते हुए खेल रहे, फिर वहां लाला को उतारे, मैया जसोदा दूध पिलाए और कन्या जब धीरे धीरे मीठी मीठी मुस्कुराए, मेरे लाला ठीक ठाक है। फिर शरीर में जो आग लगाए, चूंकि भगवान ने स्तनपान की, उसकी शरीर से कर्पूर अंगूर चंदन की खुशबू आ रहा था उसको शरीर से, क्योंकि भगवान ने उसको स्तन को पान की। भगवान राम और कृष्ण करके एक ही लीला की। भगवान राम सबसे पहले किसको मारे थे? किसको मारे थे? तारका को मारे थे। कृष्ण सबसे पहले किसको मारे? पुतना को। देखो जैसे प्रभु एक ही लीला करते हैं। पुतना मतलब क्या? पुत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं जो अपवित्र है। भगवान शिक्षा देते हैं, अगर मुझे हृदय में बैठाना चाहते हो पहले पुतना। राम भी शिक्षा दिए, तारका मतलब क्या है? बोले तारका जीव को जो भगाता है। जीव को कौन भगाता है? काम क्रोध लोभ ही जीव को भगाता है। इसे वो भी 3 अक्षर पुतना तारका, ये भी 3 अक्षर है, वो भी स्त्री, ये भी स्त्री। कहीं कहीं दोनों प्रभु एक ही शिक्षा देते हैं, अगर हम हृदय में ठाकुर जी को बैठाना चाहो तो किसको बैठाओ? पहले ये पुतना तारका को मारो, फिर भगवान हृदय बैठेंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। अभी भगवान मटकी फड़ेंगे, हैं? देखो
एक समय मैया जसोदा कन्हैया को कह रहे, बोले कन्हैया लगता है तेरा शादी होना बड़ा कठिन है। कन्हैया बोले मैया मेरी शादी नहीं होएगी। बोले बताओ तेरी शादी कैसे होएगी? पूरा ब्रज में हला है गए हो, तू घर घर में मक्खन चोरी करते हो, बताओ चोर को कोई अपना बेटी देगा? लगता है तू कुंवर का कुंवर रह जाओगे, तेरी शादी कुछ होगी। कृष्ण ने देखा भैया बड़ा घड़ी हो गई, मैया कहती तेरी शादी। अब देखना दुनिया में जो भी कर रहे हैं ना, सबके सब शादी के लिए सारे काम करते हैं। बताओ एक बच्चा इतना पढ़ाई क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है वो शादी करने के लिए। नौकरी क्यों करता है? शादी के लिए। घर क्यों बनाता है? शादी के लिए। हम जो कुछ संसार में करते हैं ना, सबका एक ही लक्ष्य है, हम शादी कैसे करेंगे। जब मैया जसोदा ने बोल दिए भैया तेरा शादी नहीं होगी, कृष्ण ने सोचा मैया को मैं ऐसे एग्जाम्पल दू ना, मैया को विश्वास हो जाए मैंने मक्खन चोरी नहीं की। इसलिए आप सबके से जानते हो ये भजन बड़ा प्रसिद्ध भजन है, बोले मैया मोरी मैंने मक्खन खायो, सुन मैया मोरी मैंने मक्खन खायो, सुन मैया मोरी मैंने मक्खन खायो, सुन मैया कहते मैया ये बताओ मैंने कब मक्खन चोरी की? कि तू भोर भयो भैया को बाचे मधुबन मैं पठाए। बोले हाँ। बोले चार प्रहर बंसी बट भट्टे को सांझ पड़े घर आयो। बोले हाँ। बोले दिन भर तक गैया चराया, रात भर तेरे गोद में सोया था, सोया कि नहीं? बोले हाँ। बोले ये बताओ फिर मैंने मक्खन कब चोरी की? फिर कृष्ण कहते हैं मैं बालक बैयन को छोटो। बोले भैया मैं इतना छोटा सा बाल, मेरे हाथ इतने छोटी छोटी, और ये मक्खन रखते? बोले छीके को ऊपर ये मक्खन रखते हैं। बोले भैया बताओ फिर मेरे हाथ कैसे पहुंचा? बोले तेरे मुंह में जो मक्खन लगा हुआ रहता है। बोले भैया ये सखा लोग तो खुद खाते और जोर जबरदस्ती मेरे मुंह में मक्खन लगा करके मेरे को चोर बना देते। लगा है मैं तेरे बालक है ही नहीं, ये दुनिया मेरे को मक्खन चोर कहता है और तू भी कहते मैं मक्खन चोर। इसलिए लगता है मेरे को जन्म दे करके किसने फेंक करके चली गई थी और तुमने वहां से उठा करके लाए और मेरे को पाल में कर रही हो। इतना बोलते ही मैया का हृदय तो द्रवीभूत हो गया। फिर मैया ने कन्हैया को गोद में भर लेती है। फिर मैया कहती है बोले नहीं लाला तुमने मक्खन चोरी नहीं की। फिर कृष्ण बता देते बोले मैया मोरी मैंने ही मक्खन सखीरा
Ah
तुलसीदास जी कहते हैं संतों का हृदय ही मक्खन है। भगवान वहां मक्खन चोरी करने नहीं जाते हैं, वो संतों के हृदय को चोरी करने जाते हैं। बोले भैया संतों में सबसे बड़े संत कौन है? बोले ये ब्रज की गोपियां हैं। इसी का नाम है गोपी। गो मतलब होता है इंद्रियां और पी मतलब होता है पीना, जो नित्य निरंतर इंद्रियों को द्वारा कृष्ण रस को जो पान करती है। कहती है ब्रज की गोपियां हैं, इसलिए वो तो दुनिया का मालिक है भगवान। फिर वो किस चीज की चोरी करेंगे? वो भक्तों के हृदय को चोरी करने के लिए ठाकुर जी जाते थे। जैसे देखो उदाहरण देकर समझाते, जैसे मक्खन बनाने के लिए पहले क्या करो, दूध ला करे फिर उसको गर्म कर, दूध को गर्म करना मतलब होता है जब किसी साधक का हृदय में भगवत प्राप्ति की उत्कंठा जगे, हमें भगवान कब मिलेंगे, हमें भगवान कब मिलेंगे ठाकुर जी, कहते यही दूध को गर्म करना। अभी दूध गर्म हो गया कि बच्चे को पीछे ले जाओ, उसको माँ को बोल दे बच्चे को गोद में रखे। इसलिए अभी दूध हो गया गर्म, फिर उसको बाद में क्या करोगे? फिर उसमें जमन डालते हैं। बोले ये जमन क्या है? जब हम भगवान के नाम को ग्रहण करते हैं, जैसे कृष्ण राम है, जैसे भगवत नाम को जो ग्रहण करते हैं, कहते वही अभी ये जमन होगी, डाल दिया अभी क्या बन गया? फिर दही बन गई। उसको बात करो, फिर उसको मंथन करो। बोलो या मंथन का मतलब है भगवान के नाम को जप करना। जैसे हमने किसी साधु से भगवान का नाम ग्रहण की, उसको बाद में केवल क्या नाम लेने पर हो जाएगा? उसको बाद में हमें पीछे करना पड़ेगा ठाकुर जी का नाम। कभी इसको कहते हैं मंथन। जब मंथन करोगे फिर क्या होगा? एक तरफ में निकलेगा मक्खन और दूसरे तरफ में निकलेगा छान। ये मक्खन क्या है? जब हम भगवान की साधन करेंगे, हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम उमड़ती है, इसको ही कहते हैं ये मक्खन है। फिर भगवान क्या करेंगे? फिर भाग भाग करके आएंगे और हृदय में जो प्रभु का जो प्रेम है ठाकुर जी, वो प्रेम को ग्रहण करेंगे। मक्खन चोरी का मतलब है भगवान मक्खन चोरी करने नहीं, वो तो विश्व ब्रह्मांड का मालिक, वो किस चीज की चोरी करेंगे? सारा दुनिया तो जी के अंदर में, वो केवल भक्तों का प्रेम रस को प्रभु जी आस्वादन करने के लिए आते थे। यही मक्खन चोरी का तात्पर्य है। देखो अभी से राधा रानी जन्म लेगी, लेकिन राधा रानी जन्म लेने से पहले हम लोगों ने 2 दिन प्रभु का नाम जप किया था ना? कितना दिन नाम जप किया था? 1 दिन किया है, हाँ 1 दिन किया था। आज भी एक माला हम भगवान का नाम जप करेंगे। मैंने आपको बताया था जब श्री चैतन्य महाप्रभु को एक दिन उनका भक्त लोगों ने घर में निमंत्रण दिया, बोले प्रभु आज हमारे घर में आपका भोजन है। अभी ध्यान देकर सुना, इधर उधर मत देखा करो, मेरे तरफ पे सबके सब देखो। बोले प्रभु आज मेरे हमारा घर में आपका भोजन है। भगवान ने कहा देखो मैं सबको घर में खाना नहीं खाता हूँ। बोले प्रभु आप किसको घर में खाना खाते हो? बोले जो लखपति बनेगा। हाँ उसी समय लखपति कोई साधारण बात नहीं था, 550 साल पहले लखपति मतलब 1,00,000 स्वर्ण मोहर जिसको घर में हो। भक्त लोग तो दुखी हो गए, बोले प्रभु हम तो कभी जिंदगी में लखपति बन ही नहीं पाएंगे, हमारा घर में 100 रुपया तक भी नहीं, आप तो लाख की बात करते हो, फिर हमारा घर में क्या भोजन नहीं करोगे? देखो भगवान क्या कहते हैं, बोले जानते हो असली लखपति कौन है? बोले कौन है? बोले रोजाना जो 1,00,000 ठाकुर जी के नाम जप करते हैं वही असली लखपति है। इसलिए मीरा कहती है ले लो रे कोई राम का प्यारा, हाँ बाज लगाऊ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊ गली गली। और जिन जिन यह मोती लुटे वो सब माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिरी हो कंगाल हुए। इसलिए मीरा कहती है असली जो धन है भगवान के नाम धन है। हम लोग तो सब हिंदू है, देखना जिंदगी में जो कुछ करना कर लो, लेकिन जब अंतिम समय आता है, जब ये शरीर छूटता है, जब 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? बोलो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? यही कहते हैं ना राम नाम सत्य है,
गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है। मतलब है बेटा, तुमने जिंदगी में जितने तुमने भगवान के नाम और भी धन को लूटे, तेरे पास साथ में केवल वही जा रहा है, सब कोई बात झूठा है। इसके सिवाय तुमने जिंदगी में जितने कुछ किए हो वो तेरे साथ में कोई नहीं जा रहे हैं। पति रो रो कर दरवाजा तक चलेगी, परिवार शमशान तक चलेंगे, उसको बाद में और कोई नहीं जाएगा, सामने क्या जाएगा। इसलिए ने राम रतन धन पायो, जितने हम प्रभु की नाम धन जप करेंगे वही धन ही हमारे साथ में जाएगा। अब मेरे तरफ में देखो, पहले टीवी में आता था ना करोड़पति कौन बनेगा, देखे होंगे ना करोड़पति कौन बनेगा। महाप्रभु कहते हैं लखपति कौन बनेगा, मेरी तरफ में देखो कैसे आप लखपति बन सकते हो। देखो ये माला है, इसमें 108 मोती हैं, हैं? जैसे ये माला को हम जब जप करते हैं ये अंगुल को उसमें स्पर्श नहीं कराते, क्यों? ये अंगुल गंदा है, सबसे पहले ये निकलता है। तो तेरे को मैं देख लूंगा, मेरे को क्या समझते हो, सबसे पहले क्या निकलता है, यही अंगुल निकलता है। इसलिए ये काम क्रोध का प्रतीक है, इसलिए ये अंगुल को हम ऐसे सीधा करके रखते हैं। और बीच वाले अंगुल ध्यान करके सुनो, यही काम की बात है, ये पूरी भागवत का यही सार है, हैं? जैसे इसमें ये बीच वाले अंगुल में ये माला को हम रखते हैं, माला को रख करके जैसे हरे कृष्ण, मेरे साथ में बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल करेंगे ना, हम इसमें एक मोती को सरकाते हैं, फिर दो बार बोल करके दो मोती सरकाते हैं। देखो कैसे लखपति बनोगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब एक बार ये महामंत्र को जप की वो 16 बार हो गया, और उसमें 108 मोतियां हैं। अगर पूरी एक माला कर ली, फिर दो बार वहां से घुमा ली, अगर ऐसे 16 माला कर ली तो हिसाब से 25,000 होता है। अगर किसने 64 माला कर ली कितना हो गया, बोले 1,00,000 हो गया। ये स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, बोले तुमने 1,00,000 नाम जप नहीं की, आज तुम्हारी नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट हो, ये भगवान खुद कहते हैं। इसलिए मीरा कहती है ये ऐसे के धन है, बोले चोर नहीं लेवे लूटे नहीं जावे, दीन दीन बढ़त सवार। अगर ये माला 1,00,000 हरी नाम कर ली, बैंक में तुम्हारी 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गई, बोले भैया ब्याज कितने मिलेगी, बोले दीन दीन बढ़त सवाए, दूसरे दिन तुमको 1,25,000 रुपया मिलेगी, और 4 दिन में 2,00,000। देखो ध्यान देकर सुनो, मेरे गुरुजी कहते थे मानो आज हमारा पास में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक, आज 100 करोड़ की आज मालिक आज हमारा पास में, ये शरीर तुम्हारी छूट गई, केवल चूल्हा बदल गई, बताओ तो साथ में कितने पैसा जाएगा, आप लोग बताओ। आज 100 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक आज हमें, केवल ये चूल्हा ही बदल गया, बताओ तो पास में कितने पैसा जाएगी, साथ में यहां से कोई पैसा जाएगी नहीं जाएगी। हमारे गुरु जी कहते थे मानो नेक्स्ट जीवन में तुम्हारी पास घर में तुम्हारी जन्म हुई, और इतने गरीबी घर में जन्म हुए हो, तुम्हारे पास में खाने के लिए रोटी नहीं, लेकिन तुम्हें याद है ये मेरे बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी दुकान मकान ये सारे मेरे हैं, मानो तुम्हें ये बात याद है। लेकिन जाकर के अपना पत्नी से बच्चों से बोलो, पहले जीवन में ये दुकान मकान प्रॉपर्टी मेरा था, मैंने ही कमाया, अभी गरीबी घर में जन्म हो गई, अभी मेरे को खाना नहीं मिल रही, बताओ तुम्हारा बेटा बेटी पत्नी तुम्हें देंगे कि नहीं, आप लोग बताओ देंगे कि नहीं, आपको देंगे वो क्या, वो मारने के थप्पड़ मारने के लिए आएंगे, अरे पागल हमारा बाप बन रहा, भाग यहां से। देखो आश्चर्य की बात है, तुमने कमाया तुम्हारा सब कुछ, केवल तुम्हारी चोला बदल गई तो यहां से एक पैसा छोड़ नहीं सकते हो। लेकिन मीरा कहती है ऐसे कौन सा धन है जिसको कमाते कमाते अगर तुम्हारी शरीर छूट जाएगा ना, अगली जीवन में तुमको ब्याज समेत वो मिलेगा, वो कौन सा धन है। मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये धन हम जितने कमा रहे हैं ये धन को, केवल यही धन ही हमारे साथ में जाएगा, ये दुनिया का कोई भी धन हमारे साथ में नहीं जाएगी। इसलिए हम एक माला बैठ करके 5 मिनट में जप करेंगे, फिर राधा रानी जन्म लेगी,
फिर आप लोग प्रसाद लेकर जाना, ठीक है। बोले श्री वृंदावन माला भी दे, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो चार व्यक्ति लेकर बांट दो तो प्रभु जी जाकर बांट दो सबको, इसको लेना नहीं मेरे को वापस दे देना है, जब करने के बाद मेरे को वापस दे देना, और लास्ट में जो लेना चाहते हैं बाद में फिर आपको मैं समझा करके दूंगा। हाँ सबको बांट दे, सबके सब आंख बंद कर लो, सबके हमके सब वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरण में हम बैठे हैं, सबके सब ये सोचो हम से वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरण में हम बैठे हैं, और मेरे साथ साथ में जप करो। सबको मिल गया जिसको पास में गया ठीक है, नहीं गया तो मेरे साथ साथ में जप करो, इसको जप करने से हर फल मिलेगा, कोई चिंता नहीं। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे वृंदावन में कोई वहां पर कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं वहां पर? जोर से बोलो और जोर से। वृंदावन में सब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं। इसलिए कुछ लोगों का प्रश्न है, आप इतने राधे 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 बोलते हो, पर ये भागवत में राधा जी का नाम फिर क्यों नहीं? लोग प्रश्न करते हैं। लेकिन श्री महाप्रभु के जो भक्त लोग कहते हैं, भैया भागवत में तो राधा जी के नाम के सिवाय कुछ है ही नहीं, ये भागवत में केवल राधा ही नाम है। बोले कैसे? बोले ये ग्रंथ का नाम है। आप लोग को बताओ तो, जो ग्रंथ आप लोग सुन रहे हो, ये ग्रंथ का नाम क्या बताओ? बोलो, कौन बोले क्या ग्रंथ का नाम क्या है? आप लोग क्या सुन रहे हो? हाँ, इसलिए केवल भागवत नहीं, इसका नाम है श्रीमद् भागवतम है। बोले श्रीमद् मतलब श्री मतलब श्रीमती राधा रानी, मद मतलब होता है प्रेम। हम कहते ना भैया मत वाला बन गया, मदमस्त हो गया, इसलिए ये भागवत नहीं। राधा रानी जब कृष्ण प्रेम में दीवानी बनती है, जब वो कथा को सुनाते हैं, ये श्रीमद् भागवत है। उदाहरण दिया, कोई एक सेठ था, वो सेठ खूब पैसा कमाता है, लेकिन देता है किसको? बोले सेठानी को। सेठानी लाख लाख रुपया गड्डी के गड्डी बना बना करके हीरे जवाहरात को आलमीरा में सजा सजा कर रखती थी। एक दिन उसने बाबरी बन गई, पागली भी हो गई, सारे हीरे जवाहरात पैसा को लेकर उसने छत के ऊपर गई। फिर उसने लुटाना शुरू की और जितने गरीब लोग थे ना, लाख लाख रुपया गड्डी के गड्डी उठाए और धनी के धनी हो गए। बोले भैया यहाँ पर सेठ कौन है? बोले श्री सावरिया सेठ है। ये तो खूब धन को कमाता है, लेकिन इस सेठानी को पास में जमा करती है। बोले सेठानी कौन है? सेठानी कौन है? राधा रानी। ये प्रेम कृष्ण प्रेम की जो मालिक यानी श्री राधा रानी। एक दिन राधा रानी कृष्ण प्रेम में दीवानी बनकर के छत के ऊपर में गई। फिर तो उन्होंने कृष्ण प्रेम को लुटाना शुरू की। इसलिए फिर आप और हम जैसे कृष्ण प्रेम के जो धनी है, कृष्ण प्रेम की जो कांगाल है, सबके सब उठाया धन और सबके सब धनी हो गई। इसलिए कहते हैं भागवत नहीं सुन रहे हैं। बोले क्या सुन रहे हो? बोले राधा रानी प्रेम में जब दीवानी होकर के अपना प्रेम को जो लुटा रही ना, ये श्रीमद् भागवत है, इसलिए इसका नाम श्रीमद् भागवतम। अभी प्रश्न है, पर भागवत में राधा जी का नाम क्यों नहीं? इसका चार पांच कारण बताए। पहला कारण बताए, सुखदेव गोस्वामी जब राधा जी का एक बार नाम लेते थे, कहते राधा नाम उच्चारण मात्रे न सर्वमानसिक मूर्छा भवे। वो छह महीना तो बेहोश हो जाते थे। बोले भैया मेरे पास में सात दी, अगर छह महीना बेहोश हो जाओ राधा जी का नाम लेकर के, फिर कथा कैसे करो? इसलिए नहीं बोले। दूसरा कारण है, आप लोग हाथों में मेहंदी लगाते हो? कौन कौन मेहंदी लगाते हो हाथों में? सब लगाते हो मेहंदी पत्ते, देखे हो?
बताओ तो मेहंदी पत्ते का रंग कैसे? हरा। लेकिन क्या हरा है? क्या है? लाल। लेकिन वो दिखती है क्या? हरा हरा। लेकिन फिर पीसो तभी वो हरा हरा दिखती है। लेकिन जब माताएं जो हाथों में लगा देते हो सूखने का बाद कौन सा रंग आ जाता है? इतना लाल हो जाता है ना, पर महीना तो छूटती नहीं। कहते उसी तरह ऊपर में देखो भागवत क्या लगता है? कृष्ण 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 कृष्ण। लेकिन अंदर में देखो तो क्या है? राधे 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 राधे। वो निकलेगा कैसे? बोले पीछो मतलब साधन भजन करो, फिर तो देखोगे कन्हैया नहीं, फिर तो श्री राधे 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 देखोगे। इसलिए ये दूसरा कारण। तीसरा कारण बताए, राधा रानी को श्री सुखदेव गोस्वामी प्रश्न करते, बोले हे राधे तुम्हारे नाम को भागवत में किस रूप में ग्रहण करो? राधा रानी आदेश देती है, मेरे नाम को स्पष्ट रूप में मत लेना, लेना तो मेरे नाम को छुपा करके लेना। इसलिए कहीं उन्होंने श्री शब्द से, कोई रमा शब्द से, कोई गोपी शब्द से, कोई इंदिरा शब्द से उन्होंने राधा जी का नाम लिए, लेकिन स्पष्ट रूप में नहीं लिए। बोले क्यों? बोले प्रेम को जितने ढक करके रखो ना उसका उतना सौंदर्यता बढ़ती है, और प्रेम को खोल दो तो खोल जाए। इसलिए प्रेम को ढक करके रखनी चाहिए। इसलिए राधा रानी कौन है? बोले कृष्ण की हृदय स्वरी श्री राधा रानी। इसलिए भागवत में सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट रूप में नहीं बोले। ये तीसरा कारण। चौथा कारण बताए, जैसे दसम स्कंध में केवल कृष्ण कृष्ण कष्टा उदाहरण दिया, जैसे कि नदी का पानी सब पी सकते, जानवर इंसान चिड़िया। कहते कृष्ण कथा जैसे नदी का पानी, लेकिन राधा जी की कथा बोले कुएं का पानी। कुएं का पानी सब नहीं पी सकते। नदी में कोई स्नान कर रहे हैं, कोई कपड़ा धो रहे हैं, कोई बैल, उसमें सब कुछ बहते हुए आती है, लेकिन जो कुएं का पानी था तो निर्मल पानी, ठंडा पानी। कहते राधा जी की जो भक्ति है ना कुएं का पानी है। बोले कौन पी सकता है? बोले वही पी सकते हैं जिसको पास में रस्सी और कोई पात्र होना, वही डाल करके वो पानी को पी सकते हैं। मतलब राधा जी की भक्ति इतना आसानी भक्ति नहीं। इसलिए श्री हाँ कहते हमारे संत लोग कहते हैं, बोले ब्रह्मे स्वराधि सुगुरु पदारविंदम श्रीमात पराग परमात भूत वैभवाया। राधा रानी की भक्ति इतने दुर्लभ है, ब्रह्मा के लिए भी संभव नहीं, शंकर भी प्राप्त नहीं कर पाए। उद्धव जैसे व्यक्ति चरण की एक धूल को वंदना करते हैं, नारद करोड़ साल तक तपस्या करते हैं राधा जी की चरण की भक्ति को पाने के लिए। अगर राधा रानी कभी मान करती है ना, कृष्ण के लिए भी राधा जी की चरण कभी दुर्लभ हो जाता है। आप लोग वृंदावन गए होंगे, वहां पर सेवा कर गए, रसधान कहते हैं वो परम ब्रह्म को मैंने वेद में ढूंढा, पुराण में ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। बोले कहाँ मिले? बोले से वृंदावन में। बोले कहाँ पर? बोले सेवा तुझे में। बोले क्या करते हुए मिले? बोले बैठ पैल तो राधिका पाया, राधा जी की चरण की सेवा करते हुए परम ब्रह्म मिले। विश्व ब्रह्मांड जिन बांके बिहारी को उपासना करते हैं वो वृंदावन में राधा जी की चरण की सेवा करते हैं। इसलिए ये चीज मिलेगी कैसे? कोई रस्सी कोई पात्र हो। मतलब जब तक किसी रस्सी की संप्रदाय में नहीं जुड़े, जिस संप्रदाय में श्री राधा जी की भक्ति करते हैं, जब तक ऐसे संप्रदाय से नहीं जुड़ते हो तब तक भैया राधा रानी नहीं मिलने वाले, तब तक कृष्ण भी नहीं मिलने वाले। इसलिए हमें शुद्ध संप्रदाय आनी चाहिए। इसलिए भागवत में तो राधा ही राधा, छोड़कर कुछ है ही नहीं। हमारे गोस्वामियों ने भागवत का हर जगह में उन्हें राधा 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 जी का नाम दिखाया। जब रास लीला हो रही थी, भागवत का सार रास है, लेकिन जब राधा रानी मान करके रास छोड़ देती है, कृष्ण भी वहां पर थे, सखियां भी सबके सब थी, लेकिन राधा रानी छोड़ करके चली गई तो रास खत्म हो गई। क्योंकि रासेश्वरी कौन है? वो श्रीमती राधा रानी। कृष्ण भी रासेश्वर नहीं, कृष्ण थे वहां पर, दूसरे सखियां थी, लेकिन रास टूट गई वहां पर, श्री राधा रानी जब चली जाती है। इसलिए रासेश्वरी कौन है? बोले श्रीमती राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी। अभी हम सुनेंगे हमारे गोस्वामियों ने बड़ा सुंदर विचित्र वर्णना किया है, राधा रानी कैसे भागवत में कहां कहां पर उन्होंने राधा रानी कैसे प्रकट होती है। कहते श्री हिमालय का नाम सुने होंगे, कहते हिमालय का जो बेटी है उनका नाम गिरिराज कुमारी, कहते ना पार्वती का नाम गिरिराज कुमारी है, तो उनकी शादी किसको साथ में हुई है? बोले शंकर जी को साथ में। अभी शंकर जी को साथ में हो, हिमालय का शंकर जी क्या लगते हैं? दामाद। अभी हिमालय पर्वत का बड़ा अभिमान है,
वो जहां जहां जाता है ना कहते जानते हो मेरे दामाद कौन है, बोले देव देव महादेव सत्यम शिवम सुंदरम। हर जगह में अपना अभिमान करते हैं। अभी एक विंध्याचल पर्वत था, बोले ये भैया ये जहां जहां जाते मेरा मेरे दामाद ऐसे। उन्होंने ब्रह्मा जी की आराधना की। जब ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए बोले क्या चाहते हो, बोले मेरे को ऐसे एक बेटी दो और उस बेटी के जो दामाद बनेगी तो पति बनेगा जैसे शंकर जी से हर गुण में बड़ी होनी चाहिए। ब्रह्मा जी तथास्तु बोल दिए। बोले शंकर जी से हर गुण से बड़े कौन, बोले श्री बांके भी आए। फिर उनकी पत्नी शक्ति होनी चाहिए बेटी। अभी राधा रानी और उनकी छोटी बहन श्री चंद्रावली ये पहले आए थे कृतिका सुंदरी की गर्भ में। इनकी गर्भ से आकर्षण करते हुए उन्होंने विंध्याचल की पत्नी की गर्भ में स्थापन कर दी। जब स्थापन कर दी उपयुक्त समय होने पर विंध्याचल की पत्नी दो बेटी जन्म दी, एक श्री राधा रानी और एक श्री चंद्रावली। इधर क्या हुआ, जब कंस ने माँ देवी को मारने के लिए जा रही थी उसमें आकाश में उड़ गई। बोले रे मूढ़ कंस तुम मुझे क्या मारोगे, तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र जन्म ले लिया। देखो वो अकेले जन्म नहीं लिया, उसको साथ में उनकी शक्ति भी जन्म हुई है। मैं जितने सुंदरी हूँ मेरे से वो ज्यादा सुंदरी है, मैं उनकी अंश हूँ। भगवान की जो नादिनी शक्ति पराशक्ति उनकी जो स्वरूप शक्ति श्री राधा रानी भी कहीं जन्म हुई, वो अकेले जन्म नहीं लिए। ये देवी स्वयं ये बात को बता दी है। इसलिए पुतना को बोले देखो जहां लड़के मिले तो मार देना, लेकिन अगर लड़की मिले ना मारना नहीं, ले ना मैं शादी करूंगा। क्योंकि वो देवी स्वयं बताई वो सर्वगुण संपन्न वो बेटी होगी, जिसको साथ में शादी होगा वो त्रिभुवन का राजा का राज्य बनेगा, सारा दुनिया में उसको जय जयकार होगी। इधर क्या हुआ, ये पुतना सब घर 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 में जा रही थी, सारे बच्चों को मार रही थी। इतने में वो पहुंच गई विंध्याचल घर में, उनकी जो दो बेटी को उसने उठा करके ले गई। उनकी पुरोहित को जब पता चला उन्होंने उच्चारण मंत्र प्रयोग की उसको मारने के लिए। इतने में पुतना छटपट 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 करने लग गई और राधा रानी को ला करके वृंदावन में जहां पर रावल एक स्थान है उसी जमुना के वहीं पर छोड़ दी। वृषभानंद महाराज रोज रोज जाते थे सवेरे स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में, देखा एक सतत कमल फूल के ऊपर में बड़ी सुंदरी एक लड़की बहते हुए आ रहे हैं और वो लड़की इनकी तरफ में बहते हुए आ रही थी। शरीर का ज्योति से चतुर्दिव उद्भासित हो रहा था। तब श्री वृषभानंद महाराज गए और उन्होंने बेटी को उन्होंने अपना गोद में उठा लिया। बोले श्रीमती राधा रानी, इसलिए नारद जी ने देखा कृष्ण का जन्म हो गए, जरूर उनकी शक्ति भी कहीं जन्म हुई। भ्रमण करते करते जब रावल में पहुंचे देखा यहीं पर श्री राधा रानी प्रकट हुई। फिर श्री नारद जी बड़े सुंदर उनके स्तुति करते हैं। देखो इसका नाम है राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। ये स्तोत्र को कोई पाठ करे ना जरूर राधा रानी उसको दर्शन प्रदान करती है, इतने शक्ति है। इनका दो तीन श्लोक हम पढ़ते हैं। राधा ने बनाया किसको, बनाया किसको राधा ने, उसको ले आओ। बोले राधा रानी को ले आओ, राधा रानी को बनाया तो राधा रानी को ले आओ उसको। बोले मुनीन्द्र बिंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न निकुंज Yeah.
से राधा ने फिर अंतर ध्यान हो गई, बोले फिर तेरे को फिर मैं गिरिराज तलक में दर्शन दूंगा। वृषभानु महाराज ने पूरा ब्रज मंडल में नौका भेज दिए, मेरे घर में लाली भई है, सारे ब्रजवासी मेरे लाली को बधाई देने के लिए आओ। सारे ब्रजवासी मिलकर के राधा रानी को बधाई देने के लिए आती है। अभी आपको सबके सब खड़े हो जाओ, अभी राधा रानी का प्रभु जी भजन गाएंगे और राधा रानी के भजन में सबके सब नृत्य करना। और राधा रानी ये सर्व लक्ष्मी, इनकी जन्म उत्सव में जो नाचेगा ना, घर में माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा हुई है, इसलिए सबके सब सामने आ जाओ, जितने सबके सब पीछे सबके सब सामने। बोलो बरसाने वाली की, बोलो राधा रानी I'm